कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हम माइक्रोब्स की ग्रोथ को ना रोक सकते हैं, कुछ तरीके होते हैं इसके कंट्रोल करने के, तो वो देखेंगे इस वीडियो में। तो पहला होता है हमारा फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स तीन तरीके के होते हैं, तीन मेथड होते हैं फिजिकल एजेंट्स में। जो पहला होता है उसे कहते हैं हम हीट। तो हीट का पता ही होगा कि क्या होता है। हीट से ना माइक्रोब्स को क्या कर देता है, उनको डीनेचर कर देता है। डीनेचर ऑफ माइक्रोब्स को डीनेचर कर देता है हीट हमारा। तो वो क्या होता है, एक फिजिकल एजेंट में आ गया। और जो सेकंड हो गया रेडिएशन। तो रेडिएशन होगी जैसे हमारी एक्सरे होती है, एक्सरे होगी या फिर गामा रे होगी। गामा रे होगी या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ये क्या करती है, ये ना इफेक्ट करती है हमारे माइक्रोब्स को। तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी तो ये क्या करती है, ये करती है डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड जो कि माइक्रोब्स का होता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये हो गया फिजिकल एजेंट्स में, हीट आ गया, एक रेडिएशन हो गया। तीसरा होता है हमारा फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन में रिमूवल ऑफ ऑल सेल्स, ऑफ ऑल सेल्स बाय रिमूवल ऑफ सेल्स इन सॉल्यूशन और गैस, इन सॉल्यूशन और गैस। तो क्या होता है कि ना जो हमारा जो माइक्रोब्स होते हैं ना उनको हम पास कराते हैं किसी सॉल्यूशन से हो गया या फिर गैस से हो गया, तो क्या होगा उसमें से रिमूवल हो जाएगी हमारे माइक्रोब्स के सेल्स। तो यही होता है फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, फिल्टर्स के थ्रू। और ये फिल्टर्स किससे बनते हैं, सेलुलोस एस्टर्स, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है। तो फिजिकल एजेंट हो गया, सेकंड हो गया हमारा केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स में जैसे हमारा आ गया अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड जैसे आयोडीन हो गया, और आयोडीन हो गया हमारा, और पोटेशियम हो गया, तो ये आएगा सॉरी आयोडीन हो गया। तो मतलब ऐसी है केमिकल एजेंट्स में आ जाता है, अल्कोहल हो गया और हैलोजन्स हो, एल्डिहाइड हो गया, हैलोजन्स में आता है आयोडीन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, आयोडीन या फिर क्लोरीन हो गया, और डाइज होगी, और हैवी मेटल्स में हो गया जैसे हमारा मरकरी हो गया या फिर सिल्वर हो गया। तो ये क्या एक्ट करते हैं, ये हमारा एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरह एक्ट करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की तरह ना एक्ट करते हैं ये। तो केमिकल एजेंट्स हो गया, और दूसरा और पहला फिजिकल एजेंट, दूसरा केमिकल एजेंट्स, और तीसरा जो होता है वो होता है एंटीबायोटिक्स। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स ये क्या होता है,
ये लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो, प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट।